जनपद फिरोजाबाद में घरों के कचरे को लेकर लखनऊ द्वारा आईटीसी आदर्श उमंग सुनहरा कल सहारनपुर की टीम ने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन को फिरोजाबाद शहर के सभी वार्ड में कचरे का निस्तारण सुचारू रूप से करने के लिए 200 से 250 घरों पर एक समिति का गठन किया जाएगा और समिति और नगर निगम फिरोजाबाद के संयुक्त प्रयासों से फिरोजाबाद को कचरा मुक्त शहर बनाने का कचरे को घर पर ही अलग अलग करके सफाई मित्र के द्वारा कचरा उठाने के पश्चात गीले कचरे को समिति एवं नगर निगम की संयुक्त निगरानी में सामुदायिक कंपोस्टर के माध्यम से गीले कचरे को जैविक खाद में परिवर्तित किया जाएगा और सूखे कचरे को MRF सेंटर के माध्यम से पुण्य चक्रों को करण इस्तेमाल किया जाएगा। यह सब जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। जो नीचड़ निकलना है ये आपके पानी को खराब करेगा, उसके बाद इसका अगर आप जलाओगे भी तो इसके जलाने से हवा में प्रदूषण फैलेगा। कूड़े की जानकारी मिली है। किस तरह की कूड़े? गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, इसकी जानकारी मिली है। अपने घर में अपना ऐसा ही करेंगे। मेरा नाम साहिल है। किस तरह का ये अभियान चलाएगा? मैं ITC आदर उमंग सुनहरा कल सहारनपुर से आया हूँ, लखनऊ द्वारा हम आयुक्त हैं। यहाँ पर प्रोग्राम चला गया है कि आपको कचरे का प्रबंधन करना है, समुदाय के द्वारा ठोस कचरे का विकेंद्रीकृत तरीके से प्रबंधन करना। इसमें हम बताते हैं कि कूड़े को आप अलग अलग करके सफाई बंधु को अलग अलग कूड़ा दें, सूखा कूड़ा अलग दें, गीला कूड़ा अलग दें। गीले कूड़े का मतलब ये है कि जो आपके किचन से कूड़ा निकलता है, जैसे साग सब्जी के छिलके या फिर सड़े गले फल, ये सारे कूड़े गीले, ये कचरा होता है जो गीले कचरे में आता है, ये होता है आपका बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है, वो अलग करके दें। और आपका जो सूखा कचरा होता है वो अलग करके दें। और कभी कभी होता है कि हफ्ते में एक बार निकल गया, बायोमेडिकल कचरा होता है वो हफ्ते में एक बार निकलता है, जैसे सैनिटरी पैड हो गए, डायपर हो गए, सिरिंज वगैरह हो गए, वो अलग पन्नी में डाल के दें। अगर आपने मिक्स कूड़ा करके दिया तो उसकी हानि ये होगी कि उससे जो लीचड़ निकलता है वो आपके भूमि को भी प्रदूषित करेगा, आपके पानी को भी प्रदूषित करेगा। और अगर वो कूड़ा अगर आपने कचरा जो मिक्स करके इकट्ठा जहाँ पर ढेर लगा है, डंपिंग एरिया है, जो उससे जो हवा फैलेगी, जो उससे गैसें फैलेंगी, वो आपको प्रदूषित करेगी। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, बहुत बड़ा एग्जांपल है, तो एक छोटा सा एग्जांपल नहीं है, कि गाज़ीपुर में जो पहाड़ बन चुका है वहाँ पर हर रोज़ विस्फोट होता है, उससे तरह तरह की गैसें निकलती है। वहाँ पर जो इंडिया सरकार है, जो भारत की सरकार है, उसने बहुत बड़ा बजट पेश किया हुआ है अरबों का, वो अभी तक सफाई नहीं हो पा रही है वहाँ पर पहाड़ की। और जो पहाड़ के आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पर जो लोग हैं वो कैंसर पीड़ित होते हैं। अगर बच्चा गर्भ में है वो भी कैंसर पीड़ित होगा, और जो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं जो हवा में रह रहे हैं 10 किलोमीटर के एरिया में, वो सारे कैंसर पीड़ित होते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि आपको कूड़ा अपने घर पर ही, किचन का कूड़ा आपको अलग रखना है, किचन का कचरा अलग रखना है, और जो सूखा कचरा है वो आपको अलग रखना है, ताकि जो हमारे सफाई बंधु हों उनको आसानी हो। वो अगर उनके पास अलग कूड़ा कचरा होगा तो वो अलग ही रख पाएंगे, सूखा कचरा अलग होगा उसे रिसाइकल कर लेंगे, और जो गीला कचरा होगा वो आपका खाद बनता है, उसका जैविक खाद बनता है किचन के कचरे से।